फोल्ड वाला फॉर्मूला दिखा रहा है, यानी कि आप थोड़ा सा यानी कि क्वार्टर से भी आप कम ले तो इंटू फोर करे तो जो बढ़ता है आपको फिटिंग्स आ जाता है हाफ इंच से। ये पैटर्न बनाकर हम घर में रख के रखेंगे और इसमें इससे लेकर हम रेडीमेड भी कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखेंगे तब भी हम वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 10 एंड हाफ इंच हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद और ये जो शेप है फ्रेंड, इस शेप को आप चाहे तो इसका इधर से इधर जितना मेजरमेंट है उधर से इतना मेजरमेंट चेक देकर ये घुमा देना से काम हो जाता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में बहुत तरीके से बहुत तरह तरह का स्केल मिलता है, उसी से शेप दे सकते हैं। मगर फ्रेंड इस जगह का जो मेजरमेंट होता है अब वो जैसे कि आप हमारा फॉर्मूला पहले करें, जैसे कि मैंने बोला था इस वीडियो दिखाने के बाद, और ये तो मैं दिखा रहा हूँ और इस वीडियो बंगाली है मैंने बोला और साथ ही साथ बोला फॉर्मूला भी है। तो फ्रेंड आपको हमारा यूट्यूब चैनल में जाकर आपको वो फॉर्मूला आपको ढूंढना है, यानी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर प्रशांत पर पहले लिखिए, उसके बाद आप लिखिए ब्लाउज सीक्रेट फार्मूला तो सारे फार्मूला आ जाएगा। अदरवाइज आप सर्च करें हाउ टू कट बैक पार्ट, हाउ टू कट पीठ पार्ट, सॉरी एज, हाउ टू कट बाटी, हाउ टू कट पटोल, तो वो फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए और उसके बाद हमें ये तो तय हो गया है, ये चेस्ट लाइन हमारा इतना है, आर्म होल हमारा कितना है और ये कितना बड़ा होगा, तो वो डिपेंड करेगा फिर अकॉर्डिंग टू ये जो कस्टमर का जो ब्लाउज है उसका एक मेजरमेंट लेना है। तो फिर बहुत इजी तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। ठीक है, ये देखिए सारे नाव मैंने देखा है उस जगह को, तो ठीक ठाक ये थोड़ा सा कम करना है हमें, तो ये देखिए आप इधर में थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा ठीक ठाक हो गया। तो ये देखिए जैसे कि बहुत सारे लोगों को आर्म होल के प्रॉब्लम होता है, तो आर्म होल फ्रेंड आपको ये जो लाइन है फ्रेंड इसलिए मैंने फिक्स कर दिया, जैसे कि हमारे पास सैंपल है मगर हम लोगों को पास जब हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेकर हम कोई भी पैटर्न करें तब फ्रेंड हम इस लाइन को एट फर्स्ट यानी कि हमें अगर आर्म होल का पता चले तो तब हमें ये लाइन पहले पहले ही आपको यानी कि फिट नहीं करना है, थोड़ा सा आपको मेजरमेंट इधर उधर करना पड़ता है, वो अगर ठीक ठाक हो तो उसके बाद आपको ये शेप देना देखना है हमें जो मेजरमेंट है वो ठीक आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने अभी देखा जी हमारा मेजरमेंट तो मैं हमारा चेस्ट लेंथ का पता चल गया तो ये इसका पता नहीं चल रहा है, तो मैंने देखा इधर देखा तो देखा थोड़ा सा बड़ा चाहिए जिससे मैंने नीचे कर दिया, तो ये क्यों नीचे किया, इसलिए फ्रेंड जैसे कि हमारे पास एक आर्म होल का मेजरमेंट है मगर आप लोगों को पास जब आप ये वाला काम करेंगे तो इसके लिए स्टाइल ठीक है, और जब डायरेक्ट मेजरमेंट लेंगे तब वो स्टाइल चलेगा। ठीक है, और दोनों स्टाइल आप नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो इधर हो गया और उसके बाद फूट कटिंग करना है हमें। चलिए ये देखिए मेजरमेंट का स्टाइल देखिए, हम इधर में थोड़ा सा छोड़ दिया और इधर भी थोड़ा सा छोड़ दिया, यानी कि साढ़े तीन मैंने इधर साढ़े तीन। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट लेना है हमें, वेस्ट का तो मेजरमेंट मैंने ले लिया 18 है हमारा वेस्ट, यानी कि 36 है, 36 है, तो 9 होता है 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस दिस प्लस 6, ठीक है। तो 9 के बाद फिर दो चीज इसमें करना है, इस सिम्स जैसे कि मैंने बोला तो ओएस के लिए क्या होता है डार्ट और सिम्स होता है, लूजिंग आप चाहे तो ले सकते मगर हम बोलेंगे इसे डार्ट, डार्ट के लिए हम थोड़ा सा लेंगे और जो सिम्स है थोड़ा सा हम लेंगे, इधर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम करना है। चलिए और आप लोगों को समझने के लिए मैं ये देखिए मैंने रेट से दिखा रहा हूँ, ये देखिए
ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। और उसके बाद मैं तो बैक पर कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, मैं डिज़ाइन नहीं दिखाऊंगा, मैं सिंपल सा सिर्फ आपको दिखाऊंगा जैसे कि ये हम कैसे तैयार करें, बेसिक पैटर्न हम दिखाएंगे। डेप कितना लेना है हमें, ठीक है। डेप लेने से लेने के बाद आपको इधर जैसे कि आपको रखना है, ये देखिए 6 इंच से थोड़ा सा कम है, 6 इंच से थोड़ा सा कम ऐसा होता है, मगर हम नीचे में 6 लेंगे और ऊपर में थोड़ा सा 6 लेंगे, ठीक है। और एक बात बता दो फिर, जैसे कि गले और नीचे के लिए 1/2 इंच नहीं लगा, नीचे के लिए शायद कभी कभी लगता है मगर ऊपर के लिए नहीं लगता, इसलिए हम थोड़ा सा कम ले आ रहे इसमें जगह पर। और अब डेप्थ कितना करना है, डेप्थ जैसे कि आप देख ही रहे हैं प्लेन अगर कर 3.5 डेप्थ है हमारा, तो 3.5 हम इसमें पॉइंट आउट किया है, मगर हम कटेंगे इधर, यानी कि इधर हम कटेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद ये लाइन मैंने मिला दिया है, बैक पार्ट हमारा हो गया, और उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। और ये जो बैक पार्ट हुआ है फ्रेंड, जैसा कि जो लोग जैसा मेजरमेंट चाहते हैं वैसा ही मिल जाएगा उसको, ठीक है। फिर बैक पार्ट हमारा हो गया, और उसके बाद हमें दूसरा पार्ट कटिंग करना है, एस करना है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि बहुत ही इजी है, और आपको एस के बारे में कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ये सब करने के लिए। मैंने जैसे कि बोला आपको, वो हमारा फॉर्मूला ढूंढ के आप सर्च करें, ठीक है, सर्च करें और ढूंढिए हमारा वो फॉर्मूला, जैसे कि यूट्यूब में प्रशांत कौर पहले लिखिए और बाद में जाओ सीखे फॉर्मूला लिखिए, और आपको हाउ टू कट बैक पार्ट, हाउ टू कट एस, वो वीडियो भी आप देखें, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहले आपको इसी तरह ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको इस पार्ट का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने पास रखा है, पहले हमें चाहिए फिर एस लेंथ। तो जैसे कि हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं तो हम तो डायरेक्ट लेते हैं, मगर अभी तो हम ब्लाउज से कर रहे हैं, तो ये देखिए इसी तरह आपको एस लेंथ लेना है, यानी कि हमारा गरा है, यानी कि 11 इंच हमारा एस लेंथ है, तो हम एस लेंथ करेंगे। ये देखिए ऊपर मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा छोड़ दिया है, और ये देखिए मैं कैमरा को बड़ा कर खुश दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा छोड़ के टेप को ऐसे में जाए, ये गहरा होता है मगर हमारा सीन्स के लिए हम इसे ऐसे लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए इस जगह का मेजरमेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने फार्मूला में यूज़ किया है इस जगह का मेजरमेंट, जो 32 में कभी कभी 5 होता है, 5.5 होता है, 34 में क्या होता है 5.5 और 6.5 होता है, तो इसी तरह वेरिएशन होता है आप देखिए। और अदरवाइज मैंने जितना दिखा इस जगह में, ये देखिए 6.5 है, तो हम कितना लेंगे इस जगह को, ये देखिए 6.5 है तो हम 6 लेंगे इस जगह को,
क्यू फ्रेंड, जैसे कि इधर हमारा कपड़ा रहेगा सिम्स अगर हो जाए तो हार्डनेस कम हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, जैसे कि हम लोग पैटर्न जब बनाते हैं तब इस तरह करते हैं, मगर अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से हम मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है, यानी कि फाइव। चलिए हम थोड़ा सा छोड़ के हम फाइव ऐसे करते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा इसमें सिम से फाइव के बाद थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि इधर सिम्स हो जाएगा कम हो जाएगा तो फाइव दिखेगा, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। और उसके बाद देखिए इधर एक मेजरमेंट लेना है, साढ़े सात है, तो ये हमारा साढ़े सात, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर देना है फ्रेंड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये जब हम मेजरमेंट लेते हैं बड़ा होता है। और ये देखिए अब हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये सेवन है, तो हमारा सेवन भी मिल जाएगा। तो कपड़ा का यानी कि रिटर्न होने से ये सब होता है, अदरवाइज हमारा मेजरमेंट ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर भी दे सकते हैं, ये देखिए हमारा सेवन है, ठीक है, ये देखिए हमारा सेवन है। अभी मैंने मेजरमेंट लिया था इसका साढ़े सात, तो वो क्या है, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर था, हम थोड़ा सा नीचे करके दिया है। और इसी तरह आपको मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, ये ब्लाउज का इसी तरह स्टेप करना है, ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान से मेजरमेंट लेना है। तो हम ठीक ठाक है, थोड़ा सा यानी कि क्वार्टर इधर उधर होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद हमें इधर उधर और ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद हमें और एक मेजरमेंट चाहिए फ्रेंड, ये देखिए इधर से लेकर यानी कि सेवन से भी कम है, सेवन से भी कम है, तो हम अगर चाहे तो इस तरह मेजरमेंट ले सकते हैं। सेवन इधर हमारा स्टिच अगर हो गया तो सेवन से भी कम हो जाएगा। और इधर का मेजरमेंट यानी कि एक मेजरमेंट लेना है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे आप इस तरह आप ले, इस जगह का मेजरमेंट का पता चल जाएगा सिक्स एंड थोड़ा सा, ये देखिए आपका मिल जाएगा हमारा, अगर सिम प्लान थोड़ा सा उठ गया तो 6.25 हो जाएगा। तो हमारा सभी ठीक ठाक है। और एक चीज़ आपको देखना है फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह ये जो पार्ट है साढ़े आठ है इस जगह को, तो मेजरमेंट फ्रेंड कैसे ले रहा हूँ आप देखिए जरा, मैं कैमरा को थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर में सिम्स, नीचे का सिम्स छोड़ के लेना है हमें, ये देखिए साढ़े आठ मिल गया, तो बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद हमें आर्म होल में थोड़ा सा शेप भी देना है, इसका भी मेजरमेंट चाहिए आप ले सकते हैं, ये देखिए इसका मेजरमेंट फ्रंट का थोड़ा सा बड़ा होगा, ये देखिए साढ़े नौ से थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए हम इसका भी मेजरमेंट ले, साढ़े नौ से थोड़ा सा बड़ा, चलिए ऐसे कर दिया, देखिए कितना है हमारा मेजरमेंट, तो ठीक है साढ़े नौ से थोड़ा सा बड़ा, परफेक्ट हो गया हमारा। और आप चाहे से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, मगर जैसा हमारा ये जो ब्लाउज में ऐसे उसी तरह इसका लुक आएगा। चलिए ये तो हो गया, और दूसरा हम क्या करें, ये देखिए इसका एक मेजरमेंट है 3 point something है, तो ये हम थोड़ा सा कम लेंगे, क्यों कम लेंगे फ्रेंड, ये हमारा बैक पार्ट में जैसे कि मैंने बोला डार्ट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, तब डार्ट देने के बाद तो हम फिटिंग्स करते हैं फ्रंट के साथ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कम लेंगे, यानी कि इस बैक पार्ट से थोड़ा सा कम होगा, डार्ट देने के बाद ये मेजरमेंट बैक और फ्रंट इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे, और फ्रेंड ये बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने बहुत बार दिखाया, इस वीडियो बंगाली में है, हिंदी में नहीं था, इसलिए रिक्वेस्ट बहुत आ रहा है, उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ फिर से।